किसान दोस्तों, भारतीय कणक ते जौं खोज केंद्र दे सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सतीश कुमार अते डॉक्टर सी एन मिश्रा ने अपने पिंड मरखाई अपने फार्म ते घर विखे विजिट किया। इस समय उन्होंने किसानों नूं जिहड़ियां आपां कद रोकण वाली स्प्रे जिहनूं आपां कहिंदे हां उह कदों करनी है, कणक ते किहड़ी कणक ते करनी है, किवें करनी है, उहदे बारे डिटेल दस्सिया। इहदे बारे आपां सुणदे हां कि डॉक्टर सी एन मिश्रा जी ने इस बारे की किया, पॉइंट नोट कर लो जो तुहाडे काम आएगा। इस क्षेत्र में मुख्यतः ज़्यादातर किसानों ने 327 काफ़ी मात्रा में लगाई, मतलब बहुत ज़्यादा फार्मर्स ने लगाई हुई है, काफ़ी एरिया में भी लगाई हुई है। चीज़ यह है कि अक्टूबर में जब हम बो रहे हैं तो हम डेढ़ गुना ज़्यादा खाद की रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि डेढ़ बैग आपने DAP डालना है, 100 बैग यूरिया डालना है, फिर पहले पानी पर डेढ़ बैग डालना। ये कंडीशन जब आप लोग फुलफिल कर रहे हैं उसके बाद हमने हार्मोन का स्प्रे करना है, जिसका क्लोरीमाक्वेट क्लोराइड के नाम से या टेबुकनाजोल के नाम से, जो दूसरी सिंचाई के बाद आता है, उसका स्प्रे हमें तभी करना है कि जब हमने पहली चीज़ अक्टूबर में बोई हुई है और खाद ज़्यादा डाली हुई है। अगर हमने अक्टूबर में नहीं बोई है तो हमें वो खर्चा अपने खेत पे नहीं करना है। तो अगर आपने अक्टूबर में लगाई है और खाद ज़्यादा डाली हुई है तो दूसरी सिंचाई के बाद 50 से 55 दिन के बाद जब पहली गांठ बनेगी, पहली गांठ हम उखाड़ के देख लेते हैं, उसका वीडियो डॉक्टर साहब ने दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें एक गांठ बनती है। उस पर स्प्रे करने का कारण ये होता है कि गेहूं में आपने देखा होगा कि गांठें नीचे बननी स्टार्ट हो जाती हैं दूसरी सिंचाई के बाद से। तो जब हम स्प्रे करते हैं क्लोरीमाक्वेट क्लोराइड का, लेहोसिन का, तो क्या होता है कि वो गांठें पास पास बनती हैं। तो जब वो गांठें पास पास बनेंगी तब वो ज़्यादा मजबूत होगा, तना ज़्यादा मजबूत होगा। अगर वो दूर दूर बनेंगी तो वो तना उतना मजबूत नहीं होगा, उसमें गिरने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने इतनी खाद डाल रखी है उसमें, उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो गिर जाएगी। जो झंडा पत्ती के समय है वो इसलिए है, सेम डोज है क्लोरीमाक्वेट क्लोराइड की और टेबुकनाजोल की, 2 ml प्रति लीटर क्लोरीमाक्वेट क्लोराइड जो लिहोसिन के मात्रा में, लिहोसिन के नाम से आ रहा है या और भी चमत्कार या और भी कई उसके ब्रांड नेम है। दूसरा टेबुकनाजोल, वो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से जब झंडा पत्ती निकलेगी तब स्प्रे किया गया। वो क्या करता है कि जिसके ऊपर बाली लगती है, मतलब गर्दन की लंबाई को कम करता है। ये दो स्प्रे इंपॉर्टेंट है और ये इसकी स्टेज भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जिस स्टेज पे बता रहे हैं जब झंडा पत्ती आ रही है उसके हम आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो स्टेज चली गई है, ग्रोथ रिटार्डेंट है, उसकी ग्रोथ को रोकता है। अगर हमने आगे पीछे किया तो उसका प्रभाव नहीं आना है, हमने उसी टाइम पे करना है। अगर निकल गई है तो फिर आपको स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं। सबसे खास बात इसकी ये है।